मोटापा कभी भी हेल्दी नहीं हो सकता। मैं कमजोर हूँ। बताओ। देखो देखो मेरे को कितनी कमजोरी है, ये मेरे से ये भी नहीं पकड़ा जा रहा, ये गिर रहा है। पंडित जी मुझे पकड़िए। पंडित जी क्या पता ही खा रहे हो तुम, भूख लग रही तुम्हें? पंडित जी का पेट भर नहीं पा रहा है यार। योगा तो सबसे बढ़िया इंतजाम मूंगफली, मूंगफली खाओ, ठंड भगाओ और टाइम पास बढ़िया होता है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए दिन में। और अब जाके हमारे यहाँ ठंड पड़नी चालू हुई है। साल का अंत है, 28 तारीख है आज, 28 दिसंबर 2023, और अब जाके कोहरा पड़ना चालू हुआ है और भयंकर कोहरा है आज। विजिबिलिटी बहुत ही कम है और अभी तक आज 6 बज चुका है लेकिन अभी गाय नहीं आई है हमारी। मैं उन्हीं का वेट कर रहा हूँ आके, जैसे ही गाय एक बार आती हैं फिर हम अपना आगे का काम निपटाते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ ये पीछे खेत में सब पूरा कोहरा, इधर सब पूरा धुंध छाई हुई है। होने को तो बहुत बढ़िया है क्योंकि अभी तक कोहरा नहीं पड़ा था, उसका फसल पे भी बहुत फर्क पड़ रहा है, गेहूं पे मटर पे। यहाँ से लगभग सारी गाय हमारी चली गई हैं और आप देख सकते हो, देखो कितनी धुंध है। और कुछ जो बची हैं, ये देखो ये मुंह मार रही है, कौन है? गौरा। चलो 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 गौरा गौरा चलो 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 बड़ा चलो जल्दी चलो चलो। ये जो भी लास्ट में आते हैं ना, पूरी तैयारी के साथ आते हैं कि हमने मुंह मारना है, तुम ही लोगों ने तो खाना है यार बाद में। चलो चलो मक्खन, चलो मक्खन बहुत सीधी है हमारी। चलो मैं भी जा रहा हूँ चरने। तुम भी चर रहे हो पंडित जी? क्या चरोगे? घास कौन सा वाला? ओ शिट, देखो इसके पैर, इसको हटाना पड़ेगा हमें, यहाँ कुछ और सब्स्टिट्यूट देखना पड़ेगा इसका। लेकिन ये पैर भी कमजोर है उसके, देखो ना, कोई गाय परेशान नहीं हुई, कोई परेशान नहीं। थोड़ा सा मक्खन हमारी पैरों से कमजोर है, बॉडी तो ऊपर इसकी हैवी हो जाती है। ये भजन बंद कर लो पंडित जी, क्योंकि कहीं कॉपीराइट ना आ जाए हमारा। इस चीज का बहुत ध्यान रखता हूँ पंडित जी मैं, कॉपीराइट नहीं आना चाहिए, जेन्युइन ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए हमारा। देखिए दोस्तों ये पूरी धुंध छाई पड़ी है, देखो। और हम जा रहे हैं भैंस का दूध लेने, हमेशा की तरह ठंडा ठंडा तो हो रहा है लेकिन मतलब उतना नहीं है क्योंकि हवा नहीं है ना। आप बाइक लेके आ रहे हो? ऐसे पैदल पैदल आओ लेके, थोड़ा आगे तक चलते हैं। यहाँ तो लगभग सफाई हो चुकी, बाहर हल्का हल्का झाड़ा है, अभी अंदर बसता है क्योंकि गाय खा रही है। ये माँ बेटी दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं पंडित जी? ये क्यों नहीं खा रहे? पेट भर गया होगा, अंदर भी खाती है बड़की। क्या हो गया बेटा? सरस्वती की देखो, दिन बढ़ दिन देखो झालर देखो कितनी भारी होती आ रही है। इसका गलकंबल काफी है। वो तो जो भी जानता होगा, अगर पहचान रखता होगा ब्रीड की, तो वो देखते ही बता देगा कि सरस्वती क्या है। और जमुना, ये जमुना दाना नहीं खा रही है, ये ध्यान रखना, ये दाना नहीं खा रही है, सिर्फ आजकल कुट्टी खा रही है और अभी उधर भी नहीं खा रही, यहाँ पर आई है। तो इसका एक बार चेक करना पड़ेगा हमें, कहीं टेम्परेचर अप डाउन ना हो। वैसे जुगाली तो कर रही थी इसलिए ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा कि मन नहीं होता। सारा क्या चाहिए बेटा? हैं, ये देखो अभी तो कुछ भी नहीं कर रही है, पूछ भी उठाने लग गई। इसका मूड होता है, कभी तो कहेगी खूब प्यार करो, मालिश करो, और कभी कभी ऐसे नखरे दिखाएगी कि हाथ भी नहीं लगाने देती है। जैक्सन की भी कर दो। जैक्सन का नाम उज्जू ने क्या रखा है? पैट कमिंस। पैट कमिंस। जब से उज्जू को क्रिकेट की नॉलेज हुई है थोड़ा, और उसको ये पता लगा कि इंडिया हारी है ऑस्ट्रेलिया से, तो उसको गुस्सा आ गया। वो कह रहा ऑस्ट्रेलिया कैसे जीती, और उसने इसी गुस्से में इसका नाम ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन जो पैट कमिंस है वो नाम रख दिया जैक्सन का। बोला ये पैट कमिंस है, इसने हराया है इंडिया को। चल पैट कमिंस। वो बच्चा गुस्से में बोल रहा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन नाम तो है। बहुत बड़ा प्लेयर है पैट कमिंस, बहुत अच्छा क्रिकेटर है। अरे कुछ नहीं करता, सब लोग जैक्सन से डरते हैं, जिसका नाम हमने अभी पैट कमिंस रख दिया है उज्जू ने। कुछ नहीं करता बेचारा, सब लोग उसको बदनाम कर दिया हमारे जैक्सन को कि काटता है काटता है। ये घर के पास ही खाता है, यहाँ तो नहीं काटेगा। आज चलो मामा आपकी और मेरे मोटापे की पता लग जाएगा कि मेरा मोटापा हेल्दी है कि तुम्हारा मोटापा हेल्दी है। मोटापा कभी भी हेल्दी नहीं होता भाई, मतलब कि ताकत और मोटापा हमारा, मोटापा कभी भी हेल्दी नहीं हो सकता। मैं तो अब चले गया हूँ बिल्कुल अपना हेल्दी डाइट पे, कुछ भी बाहर का नहीं, सब कुछ छोड़ देंगे अब।
अब बिल्कुल फिट होना है। तो फिर भी आप पता लगेगा कि आपके अंदर ताकत है कि मेरे अंदर ज्यादा ताकत है। या मेरे अंदर कहाँ है पंडित जी, आप ही के अंदर ज्यादा ताकत होगी, मैं बेचारा कमजोर सा कहाँ। तो फिर भी ना आज हमारे अंदर पता लग जाएगा कि ताकत किसके पास कितनी है। कमजोर हूँ मैं, बताओ। देखो देखो मेरे को कितनी कमजोरी है, ये मेरे से ये भी नहीं पकड़ा जा रहा, ये गिर रहा है। पंडित जी मुझे पकड़िए, संभालिए पंडित जी, आप बहुत ताकतवर हैं पंडित जी, पकड़िए। फिर भी आज चलो हम हमारी ताकत का पता लगी जाएगा, कुश्ती करते चलो यहाँ पर हम। आज चाय पी लो। ये पंडित जी कह रहे हैं यार कुश्ती लड़नी है तुमसे। हमारे यहाँ आचार्य जी भी भयंकर कुश्ती में, कुश्ती में बहुत आपके सामने हम सब नंबर वन थे। अपने गांव में इन्होंने अच्छे अच्छे धै पटकी धै लाद दिए हैं कुश्ती में लोगों को, आचार्य जी ने हमारे। हमने देखी है आपकी कुश्ती पीछे सब हमारे। हे सियाराम जी, बड़े जी कौन है? बड़ी ये उनके भतीजे हैं जी। किनके? राजकृष्ण सर। बताओ ना उसको, अरे ढकेल दूं चक्कर में। यार सही मस्ती चलती है। ए दर्शन इधर बता ना, हट जाइए रहे पंडित जी, यहीं ऐसी मजा आता है। हां खेत पे गन्ना छिलाई चल रही है इधर। पंडित जी क्या पता ही खा रहे हो तुम, भूख लग रही तुम्हें? पंडित जी का पेट भर नहीं पा रहा यार। तुम भर ही नहीं पा रहे हो मेरा पेट। वो तो ये खाएंगे भी तो नहीं फिर यार ज्यादा, इनको यही तो खाएंगे, इनको वही खिलाते ही नहीं हो। इनको घास फूस चाहिए पंडित जी को ज्यादा। बढ़िया वाली। क्या 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 कह रहे हो आचार्य जी, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ पंडित जी से किस्सा जाइए, लौज खाइए लौज आप। अच्छा वो मिठाई? अरे ज्यादा मीठा खा के पंडित जी और मोटे हो जाएंगे यार। पंडित जी मीठा तो दबा के खाते हैं, नहीं खाने को कुछ भी मिल जाए पंडित जी पीछे नहीं हटते। और पंडित जी की हाँ मुस्कान मुस्कान बता रही पंडित जी की। पंडित जी इतना ठंडा भी नहीं हो रहा जो तुम ये दस्ताने उस्ताने पहन के घूम रहे हो यार। घूमना पड़ेगा ना। क्यों ठंडा नहीं है? मजे के लिए। अच्छा अच्छा सुबह सुबह घूमे करो तो दौड़ लगा करो तुम। पंडित जी पतले ना हो जाए यार कहीं, इसलिए तो पंडित जी को डर है। पतले सही वो हो ये कह रहे हैं कि मुझे बिल्कुल मोटा बनना है, तगड़ा, जो कि ज्यादा मोटा भी बेकार है। सुन रहे पंडित जी, मामा कुछ भी कहेंगे तो लोग मानेंगे तो क्या? अरे मानेंगे हो स्मार्ट पंडित जी आप ऐसे सुबह सुबह। वो तो मैं स्मार्ट ही वैसे बस अब उठे और यहाँ तक दौड़ लगाई। हाँ हाँ और सुबह आके गेट भी खोल दिया इधर। यहाँ तक आए दौड़ लगाई तो दो 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 से दौड़ दिशम बनेगा सुस्त वो चुस्त नगी सुस्त। हाँ अभी सो जाएंगे पंडित जी जाके, पता थोड़ी देर बाद पंडित जी सो जाएंगे जाके। अरे बड़े खतरनाक है पंडित जी, ये मौका देखते हैं। गाड़ी में सो जाते हाँ, बाइक में मोटरसाइकिल में सो जाते हैं पंडित जी। ये पहला ऐसा उदाहरण देखा मैंने जो आदमी बाइक में सो जाता है। पंडित जी मुंह छुपाओ यार। पंडित जी अगला वो गन्ना ना छिलो, फिर चलो है? गन्ना छिलो। लोगों का काम ही क्या दिया? अकेले यार हमें भी और इनको पंडित जी को पहलवानी सिखाओ। बहुत अच्छा कलाकार है कुश्ती। हाँ यार कुश्ती कुश्ती का। हाँ हाँ देखिए ये हैं हमारे आचार्य जी। वाह ताली बजाओ पंडित जी, तालियां तालियां, मजा आ गया यार आचार्य जी। यार आचार्य जी ऐसे यार कुछ कुछ हमको भी सिखाओ यार, ये वाली चीजें हमें भी सिखाओ यार धीरे धीरे, ठीक है? क्योंकि अब राके कम क्या है, एक मारेंगे हो जाएगी। हाँ और आप एक दूसरे हाँ ये और सीखा होगा आपने, क्यों सब बचपन से आप लोग यहाँ सिखाते होंगे लठबाजी कुश्ती। बहुत
छतरी थी मो तो मत बच गया छाता था सब बचा दिया था डंडे अपने आचार्य जी तो अब क्या बोलते हैं कुश्ती में तो तुम हरा दोगे क्यों लौंडों को भी नए नए लड़के भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं होंगे क्योंकि गुरु तो गुरु होता है यार जो चीज गुरु को पता है वो चीज शिष्य को थोड़ा पता होगी नहीं पता तो होगी देखो हाँ बोलो कैसे हमेशा बचा के रखेगा अपने पास अच्छा बांध के आदमी को डाल दो हाँ तो वो पुल तक ना पहुंचे तो मर जाए आदमी छोड़ बंदो वो हाँ तो वो दाव आपको कठिन ना बताई उन्होंने मुंह ओहो एक दिन मैंने उन्हीं को बांध दो हाँ तो बोले तो हाँ तो गाड़ी जाके बोले ले जाओ सीख ले अब तू जो रह जा रहा हूँ हाँ लगभग 12 बज चुका है दोस्तों और अभी तक धूप नहीं आई है लेकिन अब मुझे उम्मीद लग रही है कि वो देखो नरेश दा सूरज दिखाई दे रहा है अब सूरज दिखाई दे रहा है अब धूप आएगी अभी तक तो गाय दिखी नहीं है उधर ही तरफ होंगी हाँ उधर नीचे साइड में होंगे वो लाली को देख रहे लाली आज मुझे लग रहा है सुबह ध्यान दिया नहीं जब दूध लेके जा रहे तब दिख रहा था उसका दिखने लग गया था एन और वो अचानक उतारती है उसको देखते हैं कहाँ पे है दोस्तों सर्दियों का तो सबसे बढ़िया इंतजाम मूंगफली खाओ ठंड भगाओ और टाइम पास बढ़िया होता है सर्दी का है मूंगफली खाते रहो और चलते रहो अब यहाँ से बाइक खड़ी करके पूरा पैदल जाएंगे आगे गायों को देखने के लिए आज तो दोस्तों बहुत खेल खेला है हमारे साथ इनने सब जगह ढूंढते परेशान हो गए कहीं बाइक से कहीं पैदल भाग रहे कई लोग मिले गांव के भी उन्होंने कहा आज तो गाय दिखी नहीं और ये यहाँ बैठे हैं सब ये छोटा सा जंगल और इसके पार जहाँ से कि हम रोज़ निकलते हैं आज हम यहाँ आए ही नहीं देखने और आराम से सुबह चरने के बाद सब यहाँ आराम फरमा रहे हैं बड़े ज़बरदस्त हैं आप लोग और अभी मैं एक बार जाके देखता हूँ लाली को लाली नहीं तो अधिकतर चरते हुए मिलती लेकिन आज वो बैठी है और काफ़ी दूर है इनसे उधर जाते हैं अब धूप भी आ गई है दोस्तों और हमें लाली भी मिल गई है लाली यहीं पे बैठी है आराम से जुगाली कर रही है अधिकतर लाली चरते हुए ही मिलती लेकिन आज वो बैठी है कुछ लग रहा है क्या अभी नहीं यार अभी तो नहीं ना लेकिन हमें ध्यान देते रहना पड़ेगा ना ये है हमारी लाली पुट्ठे तो तोड़ रही है लेकिन उसका जो शरीर है वो बना हुआ है ना इसलिए इतना पता नहीं लगता है और बाकी अभी एन भी नहीं पूरा नहीं छोड़ा है लेकिन ये इतने में ही भी आ जाती है जस्ट बिल्कुल अचानक से एन उतारेगी और भी आ जाती है अभी कोई नहीं अभी तो सही है ठीक है आज कोई टेंशन नहीं है अभी थोड़ी देर हम इसको आराम करने देते हैं यहीं पे चलो भाई सभी लोग चलो अब इनको उठा दिया नरेश दा ने और हंसु भैया ने और अब ये आगे जा रही हैं फिलहाल अभी लाली का तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कहीं बुढ़िया का भी ध्यान देना पड़ेगा वो उधर आगे घोड़ी बहुत ही बूढ़ी है हमारी वो गाय साल के बाद ही ब्याएगी उसका भी मुझे लग रहा है वो भी कभी भी ब्या सकती है और ये पीछे उसकी बछिया रानी इसका तो टाइम है अभी लेकिन घोड़ी को देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो जल्दी ब्या सकती है कभी भी और एक बछिया जो कि पहली बार ब्याने वाली थी जिसका हमने आपको वीडियो दिखाया था जिसको हम पकड़ने के लिए एक दिन हमने पूरा लगाया लेकिन वो नहीं आई पकड़ में वो अभी तक नहीं ब्याई है और आज उसने भी लगभग अपना एन पूरा ही उतार दिया है और इन्हीं के झुंड के साथ वो आगे जा रही है अलग चलते हुए उस जगह पे मेरी जंगली का निशान दिख रहा है आपको ये है वो अलग जा रही है अभी एक बार उसके पास जाके देखते हैं हम तो मैं पहुंच गया हूं इसके पास दोस्तों ये है वो मछिया जिसको हमने उस दिन बहुत कोशिश करी थी कि इसको लेके जाएं अपने साथ लेकिन ये नहीं आई और अभी भी ये ब्याने के नज़दीक है लेकिन भाग रही है तेज़ चल रही है इसलिए इसको मन नहीं कर रहा कि इसके पास जाएं या कोशिश करें अब हम यही इंतज़ार करेंगे कि ये सही से ब्या जाए और फिर हम ब्याने के बाद ही इसको ले जाने की कोशिश करेंगे बच्चे के साथ सुंदरी
कोई परेशानी तो नहीं। आपने देखा था पिछले वीडियो में सुंदरी के पीछे घाव हो गया था, कीड़े पड़ रहे थे उसमें, जिसमें की किल्लियाँ थी, तो वो हमने उसमें दवा लगाई, सफाई करी, तो कीड़े तो जो थे वो ख़त्म हो गए, लेकिन थोड़ा सा घाव है अभी, और उसके लिए मुझे लगता है कि हमें लोरेक्सन ट्यूब लगानी पड़ेगी। लेकिन सुंदरी की आप हिम्मत देख के एकदम चकित रह जाएंगे, इसके पीछे इतना अभी भी घाव बना हुआ है, दर्द है, परेशान है दर्द से, लेकिन फिर भी टस से मस नहीं। मैंने काफ़ी देर अभी इसका फिर से सफाई करी, दबाया, लेकिन इसने पैर तक नहीं हिलाया और ऐसे ही खड़ी थी जैसे अभी खड़ी है। बहुत हिम्मत है इसके अंदर। और ऐसी ही हमारी बच्चियाँ हैं, पीछे खड़ी है साई की बच्चिया, बड़ी वाली साई, ये भी जाने वाली है, और इसके भी आपने देखा था कि 2-3 महीने पहले अडर में सूजन हो गई थी, गांठ बन गई थी बहुत बड़ी। हम इसके डेली दबाते थे, उसमें से पस निकालते थे, लेकिन ये भी कभी इसने ना पैर चलाया ना कभी परेशान हुई। तो हिम्मत बहुत है इनके अंदर, बहुत मजबूत है अंदर से। दोस्तों 2 बज गया है और टाइम काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि घर पे जाके और काम भी करने होते हैं हमें। सुंदरी और साई तो दोनों यहाँ पे मेरे साथ हैं, यहाँ मैं खड़ा हूँ तो, और वो जो बच्चिया जो मैं कह रहा था आपको, जो उस दिन हमारे पकड़ में नहीं आई थी, वो बैठ गई है वहाँ, और हो सकता है कि वो आज भी आ जाए। काफ़ी दूर उधर पे बैठी हुई है, और थोड़ा सा उसकी मुझे हरकतें देख के ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि शायद वो परेशानी में है और आज भी आ सकती है। देखिए अब उठ गई है, उठना बैठना कर रही है, तो हो सकता है कि आज भी आ जाए, इसलिए हमें उसको आज देखते रहना पड़ेगा। और अगर वो टाइम से भी आ गई तो हम उसको घर ले जाएंगे, और अगर रात में भी आती तो फिर सुबह आके देखना पड़ेगा। और हमारी लाली का तो आज शायद नहीं होगा, शायद आज नहीं भी आएगी लाली, तो कल से लाली को भी हम घर पर रखेंगे। दोस्तों अभी हम यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि अभी हमें आज उसको देखना पड़ेगा। तो अभी अपनी गौ माताओं को यहीं पे छोड़ते हैं और उसका ध्यान देते हैं, उसको आज कंटिन्यू देखते रहना पड़ेगा, और जैसे ही उम्मीद लगेगी वो जाने वाली है, हमारे कंट्रोल में आएगी, तो हम उसको लेके जाएंगे। और आप अच्छे अच्छे कमेंट करिए दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के गौ माता के खातिर जो हम मेहनत कर रहे हैं, सच्चे दिल से लगे हैं, उसके लिए एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए, और यूं ही हमारी गौ माता से प्यार करते रहिए। फिर मिलेंगे आपसे। राधे राधे, जय गौ माता, जय गोपाल।